Hi dear friends, click on the like button and the subscribe button and hit the bell icon for our latest video updates. And don't forget to follow on Instagram. आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग्स। सो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे KTM 250 लेके आए हैं अपन 2018 मॉडल। देखेंगे इसमें क्या क्या नया है और इसका पूरा रिव्यू करेंगे हिंदी में आपके लिए, और बहुत ही जल्द और भी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों का मैं आपके लिए रिव्यू लाने वाला हूँ। सो गाइस देखिए, आप सबसे पहले इसकी डिज़ाइन देखिए गाड़ी की, क्या शानदार है। और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ एक बार। सो साइड लुक कुछ इस तरह देती है गाड़ी, थोड़ा शेडो आ रहा है, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। जहाँ भी ज़बरदस्त लुक लगता है, KTM नाम लेती मज़ा जाता है इंसान को, काफ़ी रेसिंग काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है। ये देखिए ग्राफिक्स देखिए इसके, काफ़ी शानदार लगते हैं। और जो इसकी सीट्स है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह दी गई हैं, तो सीट की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। और पीछे वाली सीट्स कुछ इस तरह दी गई हैं इसकी, साइड में यहाँ सपोर्ट के लिए ये हैंडल दिए गए हैं पकड़ने के लिए जो। और पीछे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो LED लाइट दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। पीछे से लुक कुछ इस तरह देती है गाड़ी। और अगर मैं इसकी एग्जॉस्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें एक्सटर्नल एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, इसका साउंड भी आपको सुना देंगे अभी। और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो पीछे भी इसमें डिस्क रहती है, आपको मालूम ही है। और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें कितना दिया हुआ है, तो ये देखिए 150/60 R17 का टायर दिया हुआ है इसमें, MRF का, काफ़ी बढ़िया चौड़ा दिया हुआ है, तो पकड़ बढ़िया बनाई रहती है इसमें। और इसके चेसिस देखिए काफ़ी प्यारा, सबसे शानदार मुझे यही लगता है इसमें, जो कि इसमें चेसिस दिया रहता है। और इसमें शोकर बीच में दिया हुआ है एक, तो इसका भी कंफर्ट देखेंगे अभी, ट्रायल लेंगे इसकी पूरी। इंजन देखिए काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रेडिएटर दिया हुआ है जिससे इंजन ठंडा रहे। और यहाँ पे कुछ साइंस वगैरह देखे हैं, नेवर ओपन हॉट, जब गर्म उसको ना खोलें, ये सब कुछ दिए हुए हैं। रेसिंग KTM का यहाँ इंजन पर यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए आप। और फ्रंट भी इसका डिस्क है और रियर भी डिस्क है ही सर इसका, तो आप देख सकते हैं। फ्रंट का अगर मैं टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें टायर साइज़ ये दे रखा है, देख सकते हैं आप 110/70 R17 का टायर है, ये भी MRF का दिया गया है, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। डिस्क काफ़ी बड़ी दी गई है, तो अपन को कोई परेशानी नहीं आने वाली है स्पीड तेज में भी। और अब देखिए इसका फ्रंट लुक काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है गाड़ी, सबसे प्यारी इसकी KTM नाम बोलते मज़ा आ जाता है। इंडिकेटर्स देखिए पूरा LED दिए गए हैं, ये आपको मैं एक बार ये देखिए चला के दिखा दिया है मैंने, तो ये भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। और अगर मैं पास की बात करूं इसके तो आप देखते हैं नॉर्मल हेलोजन बल्ब भी दिया गया है इसमें, एक कमी मुझे लगी जो कि नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया गया, यहाँ पर LED दे सकते थे जो कि इन्होंने नहीं दी है। और इसका अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूँ मैं अगर, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सो मैं साइड स्टैंड लग रहा है, तो साइड स्टैंड का भी इसमें शो होता है कि आपका साइड स्टैंड, अभी मैं इसको ऑन करके ऑफ करता हूँ वापस से, तो किस तरह से क्या रिस्पांस रहता है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो पूरा स्पीड घूम करके और फिर वापस आती है, ये देखिए आप दिखा सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइड स्टैंड और लो फ्यूल लेवल, ये भी सब भी शो होता है इसमें, लो फ्यूल लेवल और साथ में अटेंशन भी आ रही है, लो फ्यूल है इसलिए अटेंशन दिखा रहा है ये। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप फ्यूल का दे रखा है, यहाँ पे कूल हॉट का है, यहाँ पे गियर कौन सा है वो दे रखा है, यहाँ RPM दे रखा है पूरा 1000 RPM से इनटू,
और यहाँ स्पीड और यहाँ टाइम, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर टाइम भी है। यहाँ इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये साइन चलता रहेगा स्टार्ट होने के बाद भी। शिफ्ट आरपीएम में जब अपन को करना ये ब्लिंक करेगा, ये गियर में है कौन से में न्यूट्रल में तो ये उसका साइन है, ये पास वगैरह का, ये इंडिकेटर का, और इसमें एक यहाँ दे रखा देख सकते हैं आप ये मोड। तो ये देखिए अब इसको मैं कनेक्ट जैसे दबाऊंगा एक्चुअल फ्यूल कंजक्शन आ जाएगा एक तो, और एक बार और दबाऊंगा फ्यूल रेंज दिखाएगी अपन को, क्योंकि अभी फ्यूल लेवल लो है तो फ्यूल रेंज नहीं दिखा रही है। और इसको अपन ट्रिप ए ट्रिप टू ट्रिप वन ट्रिप टू दोनों हैं इसमें। और चलिए अब इसको इस पर कर देते हैं एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन पर रखते हैं और देखते हैं कैसा क्या रिस्पांस रहता है इसका। और यहाँ की अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे पूरी लाइट जल रही है इसमें, तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है नाइट में, तो और भी ज़बरदस्त लगता है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ काफ़ी शानदार है, और सिटिंग पोजिशन भी काफ़ी बढ़िया दे रखी है इसमें, पेंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। फ्यूल जो इसका की है वो यहाँ पर दे रखी है, यहाँ से ऑपरेशन ऑपरेट होती है वो पूरी। हैंडल पूरा ब्लैक दिया हुआ है, ये देखिए इंजन क्विल स्विच बटन, यहाँ सेल्फ, और यहाँ पे अपन को लो बीम हाई बीम, यहाँ पास, यहाँ इंडिकेटर, और यहाँ सिंगल हॉर्न दिया हुआ है जैसे कि आप जानते हैं। चलिए दोस्तों अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका। ड्राइव करने से पहले एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाता हूँ इसका, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो एक तो यह है एकदम बिना रेंज दिए गाड़ी के आप जैसे सुन सकते हैं साउंड इस तरह रह रहा है। अब मैं थोड़ी सी रेंज देता हूँ और फिर सुनिए एग्जॉस्ट की साउंड। तो गाइस आपने सुना काफ़ी ज़बरदस्त एग्जॉस्ट दे रखा है इसमें, अब ड्राइव करके देखते हैं इसको और देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है इस गाड़ी का। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके ड्राइव की तरफ। सो गाइस चलते हैं हम इसके ड्राइव की तरफ। सबसे पहले ये रेडी टू रेस लिखा हुआ था, काफ़ी पसंद है मेरे को, और यहाँ से अपना ऑन है ही, स्टार्ट हो चुकी गाड़ी। अब चलते हैं देखते हैं इसका कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट गियर में तो यहाँ गियर वन शो हो रहा है, ये काफ़ी बढ़िया है, और गियर शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ है इसमें। अगर मैं बात करूं अगर इसके थोड़े एक्सीलेट करने की तो करके देखते हैं कैसे रहता है रिस्पॉन्स। तो गाइज आपने रिस्पॉन्स देखा कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं बिलीव नहीं कर सकता। मतलब सेकंड गियर में अराउंड 75 करीब चली गई थी आपने देखा, और थर्ड गियर डालते तो 85-90 पहुंचने वाली थी गाड़ी। आपको पता नहीं कैमरे में ढंग से दिखा होगा नहीं दिखा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीलेटर देती पीछे की तरफ इंसान खींचने लग जाता है, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का। वाकई में मान गए इसको, 250 सीसी का इंजन है इसमें और काफ़ी ज़बरदस्त दे रखा है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूलिंग कंजेशन की तो देख सकते हैं आप, ये भी दिखा रहा है ये जैसे अपन चला रहे हैं इसमें, ये देख सकते हैं 31.7 29.7 कितना एक्चुअल एवरेज दे रही है इस समय वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, जिससे अपन को मालूम पड़ जाता है कि इस टाइम क्या है शो हो रहा है एवरेज, तो काफ़ी सही रहता है। मतलब उस हिसाब से अपन गाड़ी चला सकते हैं, अपन को अगर मालूम पड़ जाता है कि इतना एवरेज दे रही है यार थोड़ा धीरे चलाओ गाड़ी, उस हिसाब से अपन चला सकते हैं गाड़ी को। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, हैंडलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है गाड़ी की, और जैसे ही मैंने रेस की बात करी आपको वो तो काफ़ी ज़बरदस्त है फर्स्ट गियर में, और देखते हैं ये कितना जाती है गाड़ी। सो गाइस देखते हैं, तो आपने जैसे ही देखा फर्स्ट गियर में गाड़ी पूरी 50 गई है, काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का मान गए। एग्जॉस्ट भी शानदार है जो इसमें एक्सटर्नल लगा हुआ है, और वो भी काफ़ी बढ़िया साउंड दे रहा है। और स्मूथनेस की बात करूं तो इतनी ज़्यादा रिफाइंड है ये वाली गाड़ी, 2018 जो 250 है ड्यूक 250 है, काफ़ी शानदार और रिफाइंड दे रखा है इसको, पूरा रिफाइंड कर रखी है गाड़ी को, और बिल्कुल भी इसमें मतलब वाइब्रेशंस वगैरह तो है ही नहीं गाड़ी में, शानदार है। गाड़ी में पूरे 6 गियर हैं, और डिस्क ब्रेक का रिस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया दे रखा है। सो ये देख सकते हैं आप, ज़रा सा लगाते ही और काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें, और काफ़ी स्मूथ चल रही है गाड़ी। एवरेज का मैंने आपको बता ही दिया, सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, तो 6 गियर है इसमें टोटल, ये देख सकते हैं आप 6 शो हो रहा है यहाँ पे, और 50 की स्पीड में अभी चल रही है गाड़ी, तो आप देखिए कितनी स्मूथ है, मतलब कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है।
और ये एग्जॉस्ट भी काफ़ी शानदार लगा मुझे, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। बस इसमें एक कमी लगी, जो इसने हेलोजन बल्ब दिया है लाइट में, मेन लाइट में, वो चीज़ की कमी लगी मुझे, जो कि इनको एलईडी दे देना चाहिए था, इतनी महंगी गाड़ी है फिर भी, बस उस चीज़ की कमी लगी मेरे को। और गाड़ी में एक चीज़ की भी कमी नहीं लगी, काफ़ी शानदार पिकअप है, काफ़ी शानदार सब कुछ दे रखा है गाड़ी में, डिज़ाइन बढ़िया है। सो गाइस आपको कुछ शॉर्ट्स भी दिखाता हूँ मैं आपको, आप देखिए किस तरह से क्या रिस्पॉन्स देती है गाड़ी, वो भी देखिए। तो फ्रेंड्स आपने कुछ शॉर्ट्स देखे, काफ़ी बढ़िया है, और डिस्क वगैरह, इसकी ब्रेकिंग वगैरह, पिकअप वगैरह देखा आपने, काफ़ी शानदार दे रखा है गाड़ी में। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो शर्मा जी ब्लॉग्स को, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस मेरे को जरूर कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लगी आपको और रिव्यू कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना प्लीज़, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनने में। और सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।